बैक टू माई चैनल। सो अभी दोपहर के 12 बजे हैं और मैंने शावर ले लिया है। आज मैं आप लोग को कोई व्लॉग नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं आप लोग से प्रॉपर स्किन रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग एक्ने और पिंपल सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। हम सब में से 99% लोग एक्ने और पिंपल फेस कर रहे हैं, जैसा कि मैं भी फेस कर रही थी पिछले 1 साल से। मुझे थोड़ा रिलीफ है, पर अदरवाइज पहले मैं भी इस चीज़ से बहुत फेस कर रही थी। एक्ने पिंपल आए दिन मेरे एक ना एक एक्ने पिंपल कहीं ना कहीं हो ही जाता था। सो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, बहुत चिड़चिड़ी सी होती थी। और मुझे पता है आप लोगों का भी यही हाल होगा। जब भी कोई नया पिंपल निकल आता है तो बस आप लोग मनाते हो कि ये कैसे जाए, ये कैसे जाए। तो चलो, मैं फिर चेन्नई में रहती थी तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी और मैंने उनको अपनी स्किन दिखाई, तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रीटमेंट करा था मेरे साथ, मुझे कुछ दिया था फेस वॉश एंड ट्यूब वगैरह। तो मैंने मुझे उनसे बहुत रिलीफ मिला, बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी स्किन के लिए बहुत सूटेबल थी। तो मैंने सोचा चलो यार, क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, मे बी आप लोग को भी वो फ़ायदा करे। सो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या यूज करा है, जिससे अभी आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो गई है। तो आप लोग देख सकते हो, थोड़े थोड़े बहुत स्पॉट आप लोग को ज़रूर दिख सकता है, बट अभी मेरी स्किन एकदम क्लियर हो गई है। सो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या यूज करा हुआ है। फर्स्ट मेरा ये फेस वॉश, सॉरी आपको उल्टा दिख रहा है बट मैं नाम आपको बता रही हूँ, इसका नाम फासिक्स जेल है और ये आप लोग को ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। मैं इसको पिछले 1 साल से यूज कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कोई दूसरा फेस वॉश नहीं यूज कर रही हूँ, मैं इसको ही यूज कर रही हूँ और ये मेरी स्किन के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत मुझे सूट कर रहा है। तो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। तो बहुत बजट फ्रेंडली है, काफ़ी बड़ा है ये। आपका इतना बड़ा फेस वॉश अगर आप लोग 2 बार भी यूज करते हो डेली, तब भी ये आप लोग का 3 3 महीने तो चल ही चल जाएगा। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। और चलो मैं इसके बाद आप लोग को बताती हूँ अपने ट्यूब्स के बारे में। ये है मेरी एजेडर्म क्रीम और एजलेसिक एसिड क्रीम। ये सॉरी, ये बहुत क्लियर नहीं आप लोग को दिख रही होगी, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। और एक ट्यूब और मुझे दिया था उन्होंने, बेंजोइक पेरोक्साइड क्रीम। मे बी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते हो तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करो। ये दोनों फेस वॉश और ये दोनों ट्यूब, आप इन तीनों को ट्राई करो और फिर उसके बाद मुझे 1 महीने बाद कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताओ कि आप लोग के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। क्योंकि अगर आप लोग के लिए इफ़ेक्टिव होगा तो ये आपको 10 या 15 दिन में ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है। जो ऑलरेडी एक्ने निकले होंगे तो उनको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने टाइम से ही जाएंगे। बट नए एक्ने निकलना धीरे 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 कम हो जाएगा। जब जैसे आपके 4 एक्ने निकलते थे तो फिर धीरे धीरे वो 3 एक्ने ही निकलेंगे, फिर इसके बाद 2 एक्ने ही निकलेंगे, 1 एक्ने ही निकलेगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल एकदम परमानेंट सोल्यूशन उसका निकल आएगा, बंद हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता है ना कि आज रात में आपने लगाया और कल आपका फेस क्लियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं डियर होता है। ये सारी चीज़ों में, ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और मे बी 3 मंथ 4 मंथ लग जाता है। बट हाँ, एक्ने निकलना, आपका पिंपल निकलना बंद हो जाएगा, उसके स्पॉट और फेस क्लियर होने में हो सकता है टाइम लग जाए, बट आपका एक्ने निकलना बंद हो जाएगा। मैं इसकी फुल गारंटी लेती हूँ। अगर आप लोग का पिंपल निकला तो आप लोग मुझे बताना। बट हाँ, आप लोग को थोड़ा सा खाने पीने में भी ध्यान देना होगा कि आप लोग जंक फूड को अवॉइड करो, बिल्कुल भी मत खाओ। और जंक फूड के अलावा सुबह उठकर आप खाली पेट गर्म पानी पियो, कोशिश करो इसमें थोड़ा सा हनी और लेमन को ऐड कर लो, तो वो आपके स्टमक को सही रखेगा और जितने भी स्टमक में बैक्टीरिया होंगे उनको मारेगा। क्योंकि आप पेट से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और ये पिंपल बहुत बड़ा प्रूफ है कि अगर आपका पेट नहीं साफ है तो एक्ने ज़रूर आपको होगा। तो आप लोग को अपना पेट भी क्लियर रखना पड़ेगा
और क्रीम फेस वॉश एक जगह है, आपको खाने पीने में भी अपना मेंटेन करना पड़ेगा। जंक फूड अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, जो कि आपको एक्ने और पिंपल से लड़ने में मदद करेगा। कोशिश करो मसाले और तेल कम से कम खाओ। बाहर जाओ तो ऐसा नहीं है कि आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, मिठाई भी खा रहे हो, जो पा रहे हो वही खा रहे हो। वीक में कभी एक दो बार चलता है, बट ऐसा नहीं है डेली आप लोग बाहर निकल रहे हो तो खा रहे हो, बस खा रहे हो। और आप में से बहुत सारे कॉलेज गर्ल्स होंगी, इस कॉलेज जाने वाली लड़की होंगी, तो मेक श्योर आप लोग अपने फेस को कवर कर लें, ऐसे नहीं जाएं क्योंकि डस्ट उड़ती रहती है, आपको दिखती नहीं है बट रोन में डस्ट उड़ती रहती है। तो जब भी आप लोग बाहर निकलो तो अपने फेस को कवर करके ही निकलो, ताकि आपके फेस में डस्ट नहीं चिपके। सो बस यही मेरी छोटी सी ट्रिक थी, और इसको फॉलो जरूर करो, मेक श्योर आपको बहुत ये सूट करेगा, क्योंकि मुझे बहुत सूट करा है। देखो आप लोग देख सकते हो मेरा फेस कितना क्लियर हो गया है। बस थोड़े थोड़े बहुत स्पॉट हो सकता है दिख रहे होंगे, बहुत हल्के बहुत लाइट स्पॉट, फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है कैमरा में ऑन कैमरा दिख रहा हो। तो वो तो स्पॉट ऐसी चीज़ है कि वो धीरे धीरे ही जाती है, एक बार में नहीं जाता है स्पॉट। तो बस आप लोग यही करो, और इसके बाद मुझे इस कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आप लोग को ये सूट करा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत सूट करा है, मुझे पता है कि आप लोग को भी ये सूट करने वाला है। सो चलो मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।